Saim Rahman <laughs> <laughs> Storyteller <laughs> oh yes. sorry storyteller yes. that's mm. the that's the core right mm. yeah. Saim, how are you i am good musamil bhai aap kaise hain allah shukar kya kar rahe what's what's happening in life aajkal we are studying studying and bus uh, university pe full focus hua hai and courses they are really testing me right but i guess that's how university life is so bus and where are you studying from i am studying in lums i am in my third year

buddy buddy deals contracts so that Negotiation yeah, yeah. a information so for example like how uh, game theory mm -hmm. um apart from games mm -hmm. <laughs> practical life can there what is something that you would do just essentially, you can use game theory to basically have a better outcome बेटर आई ओके आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ गेम जो बहुत हमें क्लासिक पढ़ाई जाती है एंड दैट्स बेसिकली डिलेमा ठीक है एंड uh, वो बेसिकली ये होते हैं ना यू पुट टू प्रिजनर्स इन सेपरेट एंड देर इंटेरोगेटेड और आप उनको ना आउटकम्स देते हो तो इफ़ यू कन्फेस दैट यू डिड द क्राइम तो हम आपको ना कम टाइम देंगे जेल में आपको ना वी लेट यू गो फॉर समथिंग ना एंड इफ यू टेल्स के आप लोगों ने किया है तो दूसरा वो फारिग हो जाएगा

स्निचेज दिया स्निच आउट हो गया ना ही इज इन फॉर अ लॉर्ड ऑफ ट्रबल राइट दोनों मिलकर अगर कोऑपरेट करके कहें मतलब दोनों कन्फेस्ट कर दें तो दोनों को नुकसान होता है ठीक है बट द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन इज वे बोथ्स है कि भाई हम तो नहीं थे क्या सीन Right, right. So this right, is an right, right. example, hai, of course. Ah, it's ah, a ah. very classic one. I to many economics ke principles of microeconomics, ke course. Tha, but yeah, it's a right. very basic example. So I mean I feel tha. like economics, political economics, political mm. theory, and some maybe mm. uh you know, game theory probably use hoti ho in the way that you make your decisions or take your yeah, decisions. Yeah, it's it's, a, it's it has a lot to do with strategy and outcomes and wali cheize, na, how people think of how to make choices and all of that. Right, yeah. right, right. Mm. And then there was a personal पर्सनल इफेक्टिवनेस इज लिटरली पर्सनल इफेक्टिवनेस मतलब आप अपने आप को ना पर्सनली कैसे ग्रूम करो कैसे यू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल अपना माइंडसेट एंड ऑल ऑफ दैट तो इसमें बहुत से अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़े हैं जैसे माइंडफुल थिंकिंग एक एग्जाम्पल हो गई माइंडफुल थिंकिंग आई डोट नो जस्ट बींग मोर अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग एंड सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट बहुत आ जाता है एंड जस्ट रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वट your mind goes through सोलॉट ऑफ पीपल है प्रॉब्लम्स इन दर लाइफ उनकी क्या कहते हैं जिंदगी में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा होगा कुछ ना कुछ नहीं होगा एंड वन थिंग दैट रियलीस इज जर्नलिंग उनके लिए इन यू नो वाई बिकॉज यू पुट यूर माइंड इन टू वर्ड माइंड में जो आपके ख्याल चल रहे हैं ना यू पुट दम इन टू वर्ड्स राइट तो उस वजह से तो दैट्स एन एग्जाम्पल फिर उसी तरह Uh, आज की बल्कि क्लास जो कि मैंने मिस कर दी <laughs> <laughs> उस क्लास में हम पढ़े थे मैनेजिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स तो इफ फॉर एग्जांपल किसी के दोस्त की ये सर ने हमें शुरू शुरू में दी थी जिसके बाद मैंने क्लास छोड़ दी वो ये था कि हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशन वेयर अ फ्रेंड्स पेरेंट या फ्रेंड्स सम वन क्लोज टू योर फ्रेंड डाइज और समथिंग हाउ वुड यू डील विद दैट एंड ऑल ऑफ दैट तो बेसिकली आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एंड ऑल ऑफ दैट ना और आपको personally improve or sense related very interesting i mean because this is a major problem with me um, you know i'm a very social person i know how to maneuver through people but when it comes to major things like someone passing away i mm -hmm. just don't know how to react Yeah. Um, what would you do for example if uh, if someone close to you passed away uh, yeah that's a very difficult question to answer and it depends on kiskit kanana so i think HG's is हर जगह पढ़ते भी और सुनते भी और करते भी देखते भी लोगों को इट्स जस्ट के यू नो द बेसिक ऑफ थिंग्स कम्स टू बीइंग देयर फॉर देम बट व्हाट आर इंस्ट्रक्टर फोकसिस ऑन इज सेइंग के देखो बीइंग देयर फॉर देम ऑफ कोर्स दैट्स ऑफकोर्स बट बी स्पेसिफिक अबाउट दैट तो इफ़ यू वांट टू बी देयर फॉर देम आई डोंट नो मैंने एक ऐसी चीज़ बेहतर समझता हूं कि आई डोंट नो बंदे को फाइंड आउट व्हाट दे लाइक सही है सो इफ फॉर एग्जांपल अ पर्सन लाइक्स चॉकलेट रोज एक उसके लिख आओ Right, and you know, just tell them that you have a friend who is taking care of you in one way or another, so this chocolate is a reminder of that, right, and the world isn't over there coffee there's much to look forward to, so just rely on that, I guess small small things that matters yeah, yeah. Uh, yeah, and then, after that, there was one other course, social psychology yes science like it's very it's very cool, uh, social psychology mein, like you. मतलब इतना इंटरेस्टिंग है इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं बेसिकली साइकोलॉजी मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में ना फर्स्ट ईयर के लिया था ह्यूमन बिहेवियर से दैट्स द इंट्रो टू साइक कोर्स ना उसके बाद मैंने हर सेमेस्टर एक एक लिया है एंड उसी वजह से जब मैंने दो ले लिए थे ना उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई हैव टू माइनर इन दिस राइट तो सोशलॉजी सो हाफ ऑफ इट बेसिकली बायोलॉजी तो हाउ द माइंड वर्कस तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर हो ना तो आपके न्यूरोन्स वगैरह किस तरह चलते हैं क्या क्या वहाँ पर प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से आप वो सर्टन एक्शंस करते हो या सर्टन थाट्स करते हो ना तो जो थाट है ना बिहाइंड थिंग्स <laughs> <Like. laughs> <laughs> <laughs> उस पर क्या कहते हैं <laughs> जो like chemistry है yeah. yeah. वो है हाफ हाफ उसमें yeah. यही है जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत सारे होते हैं अब बहुत पहले वो कोर्स लिया था तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर वर इज वन कॉन्सेप्ट जो सोशल साइकोलॉजी में भी हम पढ़ रहे हैं अब इन इज कॉल्ड कॉग्नेटिव डिसनेस राइट एंड इसमें हमें एक बहुत बहुत मजे की स्टडी एक बताई थी देर वॉज इज पर्सन आई थिंक फिफ्टीज की बात नाइनटीन फिफ्टीज की कॉल्डी मार्टिन एंड शी हैड दिस ड्रीम और समथिंग जिसमें ना शी बिलीव के ना द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड एंड ना एलियंस वगैरह जो है ना ये आएंगे और हमें बचाएंगे देर अस अवे एंड जो लोग मेरे इस कल्ट में मान जाएंगे ना मुझे क्या कहते हैं ना शी स्टार्टेड यू नो टॉकिंग अबाउट इट बहुत ज्यादा और ना लोगों को इकट्ठा करना चाहती थी अपने सपोर्ट में उस तरह से ना एंड शी बिलीव इट टू इट्स नॉट लाइक वो कोई स्कीम और समथिंग बट या तो बहुत सारे लोग ना दे लेफ्ट देयर फैमिलीज एंड एवरीथिंग और उन्होंने ना सब कुछ अपनी लाइक नॉर्मल लाइफ खत्म कर दी बिलीविंग कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड uh, क्या कहते हैं वो इस पे मतलब इसका कर ना हाँ. तो इसमें ना बेसिकली अब एक डे उसने सेट किया था कि इस दिन पे ना एलियंस ने आना है और यह मैं बचाएंगे आगे ठीक है तो उस दिन ना नहीं आए तो डोरथी ने कहा कि भाई आ, अब एग्जैक्ट मुझे डिटेल्स नहीं पता की डोंट यू नो पेस्टोमी जाकर बट आइडिया ये था कि उनको एलियंस uh, ने आगे नहीं बुझाया तो जॉर्जी ने कहा कि uh, बताती दी कि अच्छा नहीं उन्होंने मुझे बताया कि वो इस दिन आएंगे ना ये वो तो उस दिन ये हो गया वो हो गया इस तरह करते करते ना एक दिन लाइक विद ईच एंड एवरी लाइक टाइम शी सेड ना कि नहीं नहीं अब आएंगे आएंगे वाला सीन ना देर वॉज दिस सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने ना उधर ना उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया एंड देर वॉज दर्टन ग्रुप जिन्होंने नहीं छोड़ा एंड दे बिलीव इट इवन मोर यू नो वाई बेसिकली इधर ना दो फैक्टर्स आते थे आपका ना लेवल ऑफ डेडिकेशन टू द आइडिया डिटर्मंड योर बिलीफ इन द फैक्ट वेदर ओके ठीक है सो दोज पीपल जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया रिलेशनशिप्स जॉब सब कुछ जो सब कुछ था ना उनके पास छोड़ दिया ना दे बिलीव इट मोर यू उनकी कॉग्नेटिव डिस्टेंस थी दे लाइक यार अब मैं किस चीज को मतलब इस व्हाट हैव आई मतलब मतलब सो द यू आर इन्वेस्टेड सो मच इनटू दिस आइडिया कि यू हैव नथिंग टू गो बैक टू एंड सो द आइडिया दैट नाउ यू हैव टू इवन इफ समवेयर इन देयर माइंड इट्स टेलिंग देम कि यार तुम फेल हो गए हो hmm. ये गलत चीज थी दैट एडमिशन इज नॉट दैट एडमिशन इज बिकमिंग हार्डर एवरी सिंगल टाइम एंड सो दे दे मोर नाउ फोकस्ड ऑन दिस रियल वर्ल्ड में इफ आई वर टू आस्क यू डू यू सी कॉग्निटिव कॉग्निटिव इन प्ले इन पाकिस्तान मेरे इंस्ट्रक्टर के हिसाब से लाइक like, एंड ऑबियसली उनकी ऑब्जर्वेशन ही है इट्स लाइक इट कम्स इन टू प्ले हर बार लाइक like आप अपनी ना बहुत सी एफर्ट्स और बहुत सी चीज़ों को आप जस्टिफाई इसी तरह ही करते ना तो इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें क्या कहते हैं uh, क्या था कि लोगों को ना एक उसमें इकट्ठा किया था कि ना दो ग्रुप्स में डिवाइड किया hmm. एक एक्सपेरिमेंट सेटिंग है और उसमें ना उनको कहा गया था कि दिस इज़ वेरी बोरिंग टास्क

जो आपने क्या कहते हैं ये टेस्ट किया ना आप बताओ कि भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत मज़े का था कमाल था मतलब मुझे ना बहुत मज़ा आया इस टेस्ट का और सारा ना तो इट वाज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग इन ऑल ऑफ दैट तो उनको फिर बताया गया था कि वंस यू डन विद डेट तो आपको क्या कहते हैं पैसे मिलेंगे सो दे वॉज दिस ग्रुप और ये पुरानी बात है तो लाइक तब टू डॉलर्स एंड ट्वेंटी डॉर्स वॉज बिग अमाउंट लाइक टू डॉलर्स वॉज गुड इनफ और ट्वेंटी right. डॉलर तो, तो बेसिकली दो ग्रुप्स थे एक को टू डॉलर्स मिल रहे थे और ट्वेंटी डॉर्स मिलते सेपरेट रिसर्चेज हो रही थी लाइक दे वन टोल्ड कि ऐसा कुछ हो रहा है ना आपस में ग्रुप्स के राइट right. तो जिन लोगों को टू डॉलर्स मिले थे ना दे फाउंड उनको मतलब जो उनकी बिलीफ थी ना एंड टू एक्चुअली से कि ये बहुत इंटरेस्टिंग था उसमें उसकी थी दे बिलीव मोर कि भाई ये ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्चुअली था बिकॉज उनका जो एंड में रिजल्ट उनको मिला था ना दू डॉलर दैट वॉज नॉट इनफ टू जस्टिफाई मतलब उनको लगा था कि यार अब यहाँ मतलब इतने कम पैसे मिल गए मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ ना जिनको ट्वेंटी डॉलर मिले दे डेट कन्विंस नॉट इन बिलीव इट देट कि भाई मैं क्या कहते हैं

निकलना mm -hmm. शुरू हो जाता है एंड जितना ज्यादा एक्चुअली पैसा कम होता है तो जिसका हार्ट नहीं होगा वो आएगा ही नहीं और जो आएगा वो पैसे के लिए नहीं कर रहा होगा वो कर ही होगा फॉर हायर वापस एंड सो यू नो आई डोंट ऑल्सो से मैं ये भी जरूर निकालूंगा कि मनी इज नॉट ने दिगेस्ट मोटिवेटेड ये यही कोर्सेज हैं या उसके अलावा कोई भी है Before I talk about that, guys, agar meri studies koi bhi info galat thi, please, please don't pester me with But the ideas were this Yeah, yeah I mean you I, can obviously hmm. you can use this as a as a starting point. And if you haven't heard of them, agar aapne hai, aap smart hai, king hai, thumbs up, comment section. Mein <laughs> hai, further. If you haven't heard about them, you can always go and Google and and, and learn something new. Uh, you know, it's it's a it's a hmm. good thing. How's your experience at Lums? And before I go into that, hmm. where did you go for your high school? Uh, for my high school, Mira

वी डेड बट मोस्ट वी ट्राई टू लाइक मैं मतलब शुरू में पिंडी में था वन नर्सरी वाला टाइम एंड एक दफ़ा सयालकोट गया था जब क्लास वन में था बट मेजोरिटी मैंने लाहौर में ही हम रहते थे तो नानी की तरफ नानी right. की तरफ नहीं तो uh, घर लाहौर में या रेंट पर कुछ ऐसे करके कर लिया एंड uh. uh, बाबा इधर उधर जाते रहते थे आपकी एजुकेशन जो प्राइमरी स्टेबल ही रही उस तरह से उस सेंस में yes. uh, you mm. know, move around फोर ईयर्स टेंथ एलेवेन एंड ए वन ए टू ए वॉज नाइस इट वॉज बहुत अच्छा था लाइक मुझे बी एम आई में आई फील लाइक मैंने जो व्यू थी बॉइजिंग मैंने बी एम आई में की है yeah. और बी एम आई में मेरे मतलब मेरे प्रॉपर जो दोस्त बने थे ना अच्छे अच्छे लाइक आई है मेड वेरी गुड फ्रेंडशिप्स देर एंड उनमें से अभी हैं जिनके साथ यू you नो know, uh, उस लेवल की फ्रीकुंसी पर वो दोस्ती नहीं है या कम्युनिकेशन नहीं है

he's he's basically that one guy that i can trust with my whole life right so there's yeah. always that one, one yeah. person right yeah. um, i don't know even in, my, even in my own experience somehow those friends are you know they could be all over the place they could be doing a lot of different things but somehow unse said charsal baad mile

Um, and i know case the comment section magic um, okay do you think in pakistan when you if you have a uh, you know an oa levels degree or diploma you have a higher chance of success because people a lot of times in my comment section people are like yeah um, you know i don't even want to listen to this guy because iski the reason for success is have iski education otherwise Um, नहीं आई 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 डोंट थिंक क्या कहते हैं जो आपका ओ लेवल ए लेवल देखिए मैं बताता हूँ देर इज दिस देर आर दिस कैंप्स से बन जाते हैं तो लाइक like, अगर ओ लेवल ए लेवल का कोई बच्चा है और मैट्रिक एफिसिक का कोई बच्चा है इनके दरमियान एक सा करता है इट्स और इज़ दिस क्या कहते हैं सेपरेशन जो आपको नजर आती है right. तो जो ओ लेवल वाले हैं वो साथ फिर रहे होंगे ए लेवल वाले और फिर मैट्रिक वाले साथ होंगे और इनकी आपस में उस तरह से ना यू नो मैं मैं नहीं कहता कि नहीं होती ऑफ कोर्स होती है बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि लाइक देर इज दिस सॉर्ट ऑफ डिफरेंस दैट यू सी बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सक्सेस और वो एकेडमिकली भी अगर मैं बात करूँ आई डोंट थिंक दैट डिपेंड्स कि आप मैट्रिक कर, करो करो या ओ लेवल करो आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु डू एक्सेप्शनली वेल

ओ ए लेवल के स्कूल्स जो है वो जनरली आपको अपार्ट फ्राम द एजुकेशन साइडलेक्ट साइड ऑफ थिंग्स ब्रश यू अपन टर्म्स ऑफ योर सोशल सोफिसकेशन सो वो आपको hmm. Hmm. आपने बोलना किस तरह है आपने ड्रेसिंग क्या करनी है चाहे वो स्कूल कर रहा हो चाहे वो आपकी सराउंड uh, yeah. कर रही हूँ अच्छा hmm. मैंने ये भी नोटिस किया तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये डीमार्केशन नहीं थी कि आई एम ओ एवल्स एंड आर गाइड एफ एस मुझे इनफैक्ट ज्यादा ये लग रहा था कि यार ये लोग मेरे से ज्यादा आ गए हैं बिकॉज उनकी जो मैथ और फिजिक्स होती है दैट इज मोर विद यू नो इज़ अलाइंडीज इन यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान और वो जनरली स्मार्टर स्मार्ट लॉट इज वेल तो मैं थोड़ा सा उस सेंस में वो था लेकिन मैं अंडर uh, कॉन्फिडेंट नहीं था डेफिनेटली डिन नॉट हैव लो सेल्फ है बट वॉज वेरी ओपन इन टर्म्स ऑफ कि एफ एस सी है मेट्रिक है जो एफ एस सी मैट्रिक वाले थे वो मुझे ओवर टाइम बाद में hmm. पता लगा कि दे ऑलवेज विन दे लुक एट यू दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग वेट देयर लाइक ये तो अपने आप को बहुत समझता है लाइक like, पीपल hmm. जो कि चौथे साल में मेरी दोस्ती हुई नो आई यूर वेरी वाज लाइक हमारा कोई मौका ही नहीं हुआ है ना बात करने का hmm. और भी बैच में दस लोग हैं जिनसे आपने नहीं बात की लेकिन आपने मुझे क्यों टारगेट किया कि ये बड़ा एरोगेंट है ये मेरे से बात नहीं कर रहा hmm.

और जो एफ कर रहा है उसके दिमाग में ये मेंटल बैरियर है कि नहीं नहीं एलेवन वाला जो है ना वो तो बहुत अपने आप को समझते हैं आई एम श्योर होंगे बत्तमीस mm -hmm. बच्चे होंगे एलेव्स के ओ लेवल्स के जिन्होंने आके ये करवाया बट आई फील लाइक आपकी बात आई टोटली एग्री विद यू के आई हैव सीन मेट्रिक एफ एस सी किड्स टू बी इंटलेक्चुअली इनक्रेडिबल क्रेडिबल इर रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सोशली दे दे माइट बी डिफरेंट डिफरेंट एंड माइंड नॉट नेली मीन बैड बैड्स किड्स बट वो चीज़ डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है um, So, so the, the question that I was asking you. BMI is a bit of graduate KIA, still again. Lums is a very contentious contentious sort of a university yeah. <laughs> now at this point in time in Pakistan. Somehow mm. I don't know why that's just become this weird part of pop culture. Um, where anything that comes out becomes controversial very, very far too soon and far too quickly. Mm. How's your experience at Lums, considering that you were at BMI and then you went from Islamabad, and I don't know what you were expecting, but what based on what you were expecting and what you got, mm. you know, what was the experience? Um मेरा लम्स में एक्सपीरियंस ऐसा था कि ना पहले शुरू इट और स्टार्ट ऑफ विद अ सॉट ऑफ डिसेप्शन सी आई डोंट नो व्हाट आई हैड इन माइंड क्योंकि डिसेप्शन में बताता हूँ किस तरह सो दे इज दिस एक चीज़ होती है ओ वीक जिसे कहते हैं ठीक है ओ वीक इज़ द ओरिएंटेशन वीक जो लम्स वालों का होता है और उसमें क्या कहते हैं आपको ना जो नए फ्रेशमैन बैच होते हैं ना देर आर साइन टू वेरियस ग्रुप्स तो लाइक like, बारह पंद्रह बच्चे ना लड़के लड़कियाँ मिक्स होंगे इन इन वन ग्रुप और इस तरह करके कोई फिफ्टी सिक्सटी ग्रुप्स होंगे ठीक है और उन ग्रुप्स में दो कोचेज़ होते हैं अ गाय एंड अ गर्ल एंड देयर जूनियर्स या सीनियर्स होते हैं और वो आपको ना लाइक लम्स कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको उसी उस हफ्ते में ना दे मेक देर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज वगैरह ना उस उन पाँच दिनों में ना जितनी मैंने मतलब सोशलाइजिंग uh, की थी उतनी मैंने शायद जिंदगी में ना की हो लाइक मेकिंग न्यू फ्रेंड्स गोइंग आउट लाइक हर वक्त पार्टी करना फिर ये एक्टिविटीज हर एक्टिविटी में पार्टी करना दर दिस इवन वन टाइम जिसमें एक स्टेज uh, पे किसी सीनियर ने मुझे बुलाया था एंड वी हैड अ डांस ऑफ विद फुल ऑड भरा वना एंड वो एक फोर्ट नाइट डांस नहीं होता और इन जस्टिस पता ah, नहीं होता है ah. वो मैंने किया था और द होल ऑडिटोरियम वो शाउटिंग में पागल हो गया था वहाँ पर इतना मज़ा आया था मुझे बट लाइक like, इसी तरह ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुक्र लगाया था ना वो खत्म हुआ अगला हफ्ता शुरू हुआ क्लासेस का पहले दिन से ही आई कुंड लाइक कॉम्प्रीहेंड कितनी जल्दी मेरे ऊपर एकेडमिक प्रेशर आ गया था राइट तो दैट वॉज द स्टार्ट वो एकेडमिकली तो यार थ्रू आउट ऐसे ही रहा है कि इट वॉज प्रेशर नॉन स्टॉप लाइक आपके क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स एग्जाम्स मिड टर्म्स फाइनल हर चीज हर वक्त चल रही होती है इज बिकॉज ऑफ दिल्फ और बिकॉज ऑफ द

कि मेरे से मतलब हैंडल ना हो पा रहा था और मुझे एक दफ़ा याद है कैलकुलस के मिट्टर में दो मिटर्म्स होने थे उसके पहले मीटर में आई फेल्ड अच्छा एंड हमारी रिलेटिव ग्रेडिंग होती है हाँ। तो इट्स नॉट कि आपने 50 परसेंट से कम लाए तो आप फेल ही हो गए फेल ग्रेड लगेगा अकॉर्डिंग टू द मीन जी क्या कहते हैं एवरेज निकलती है उस हिसाब से बट प्योर ऑब्जेक्टिवली आई फेल्ड राइट एंड उस रात तो मैं बस ऐसे पड़ गया पहली दफ़ा मैंने कहा मैथ में तुम साइंस फेल कैसे मैथ में तो यू आर ए स्टार स्टूडेंट वॉट इज दिसक से like, भी चलता रहा. Like, मैंने एक और कोर्स एक लाइक like, चौथे में बीना आई फ्लंक्ट राइट तो मैं रोने पड़ गया मैंने कहा यार क्या नल में मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ और एंड वॉज है

Uh, एक बंच में हो जाए और जिनको अवार्ड मिलते हैं you know, उनकी थोड़ी सी गेम होती है right. तो उसमें मेर, मेरा गोल होता था, सही है? पहले साल में फ्लंकिंग yes. दूसरे साल में थोड़ी Achha. हुई थी बट पहले साल में इट वॉज टू टू बी इन थ्री और उससे ऊपर right. so, उस मेरा क्या कहते हैं आ गया था एंड uh, मेरा yeah. यही था कि मेरे दिमाग में बस होता था जो मेरे अम्मा ने मुझे कहा ना स्पेशली मामा ने कि ये जी पी ए लाना है और अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी है वो ना तो वो मेरा बस गोल होता था बट आफ्टर द फर्स्ट ईयर आई सॉट रियलाइज कि भाई आई डोंट केयर एज मच एज आई डिड पहले अबाउट एकेडमिक्स लाइक थ्रू आउट ए लेवल्स में तो मेरा हर वक्त होती थी कि यार ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार नहीं वरना नहीं बट विद टाइम विद टाइम आई एम हैव स्टॉप केयरिंग सो मच एंड लेटिंग इट कंट्रोल मी इतना ज़्यादा राइट right. तो अब मेरा फोकस ऑन थिंग्स आई फील आर मोर इम्पोर्टेंट उन पर चला के अच्छा मुझे एक बात बताएं लम्ब के अंदर बैच कितना बड़ा होता है एक बैच uh, कोई तेरह सौ तेरह सौ और uh, who, अगर मैं आपसे पूछूँगे वाट आर द टॉप थ्री स्कूल्स इन पाकिस्तान दैट यू नो मोस्टली एंड अपर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल स्टूडेंट गॉट एन वॉट फुट दो के जी एस uh, you know, हाँ कराची से के जी एस हो गया um, लाइसियम से आई डोंट नो कितनी परसेंटेज आती है बट लाइसियम है फिर निक्सर वगैरह विद फ्रॉम लाहौर एचसिन जे टी एल जी एस जे टी फिफ्टी फाइव मेन वो एल जी एस के वो भी एक ब्रांच है फिर वहाँ की बीकन हाउस जो है बी एम आई मेरा आधा सा बी एम आई वहाँ है मेरे साथ अच्छा हाँ, <laughs> <laughs> मेरे सारे <laughs> दोस्त उधर ही हैं मेरे साथ ही और क्या कहते हैं या yeah, यही मतलब प्राइवेट स्कूलिंग आई गेस

कराची के अंदर जो है जी इस्लाबाद के बच्चे टाइप के होते हैं जब आप डी एम आई में होते हैं आप अपने हाई स्कूल में होते हैं तो आपको उसमें बड़े डिफरेंसेस नज़र आ रहे होते हैं yeah. बट जब आप शहर बदलते हैं ना तो आपको रियलाइजेशन होती है कि यार कल्चर ऑफ़ द सिटी देर सिमिलैरिटीज एंड सो वॉट डिड यू फाइंड फॉर फॉर किड्स फ्रॉम लाहौर एंडीज कराची वालों की एक मैंने चीज़ नोटिस की है कि देर दे द व वे दे स्पीक इट्स वेरी डिफरेंट लाइक उनका जो एक्सेंट्स होते हैं उनके जो वर्ड सर्टन यूज़ करते हैं अच्छा क्या कहते हैं वो सारे वो जो यूज़ करते हैं देर वेरी मतलब यूनिक लाइक मैंने इस तरह के कभी सुने नहीं होते थे तो देट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फिर उसके अलावा लाहौर वालों का भी एक अपना होता है उनकी अपनी एक आई नो लाहौर वालों की मुझे एक ऐसा लगता है कि उनकी एक लगना ऐसा छाती निकल कर वायर सीन होता है उनका जब भी वो उधर फिरतेज आई फील एक्स देयर सिटी आई डोट नोट

very 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 sort of unique unique thing very unique thing Karachi yes. hmm. wala open hmm. about shorts, shorts and like जोरिटी like, uh. आपको अगर कोई नजर आता है ना इसमें जिस इस तरह फिर लड़कों में अगर मैं बात करूँ ना तो वो कराची वाला होता है uh. and फ्राम uh, इस्लामाबाद वाला हमारे हमारी उनके साथ अगर differences करें तो हम बेसिकली वी आर द बर्गर्स हम बर्गर लोग हैं इस्लामाबाद <laughs> वाले कराची का डीएचए आ रहा है आपके <laughs> पास और हम बर्गर हैं आर यू सीरियस अब इसके बारे में क्या बोलूँ बट हम बर्गर हैं इस्लामाबाद वाले एंड uh, कराची वालों के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं कि वो भाई तुम लोग आई 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 नो लाइक टू से बट क्या, lead, क्या like, कहते I'm हैं I'm मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लाइक like, हमारे हैं एक सर्टन स्टीरियो जो हमने बिठाए हुए हैं और डिफ्रेंसिस uh, हैं बट एक कॉमन फैक्टर जो हमें वो लम्स है Obviously. And Lums वाली चीज़ हम, हमें पूरे I think, पाकिस्तान से राइट right. मुझे, uh. जब, मुझे जब कहते हैं ना कि मुझे मैं अगर कहूँ मुझे, uh. तो मुझे, मुझे, uh. right. मुझे याद आ रहा है मुझे लाहौर नहीं याद आता मुझे लम्स याद आता है राइट एंड मुझे याद आता है कि लम्ब्स में जो कल्चर है जो लम्स में, में मेरा वहाँ पर दोस्तों के साथ टाइम गुजरता है वो मुझे याद आता है राइट right. space That is um, where you can be critical, where you can be open, where you can be empowered, and and a lot of times, you know, people or students from lums have this jaga, jahan par wo, the sky is the limit to your thoughts, hmm. right? Irrespective of the academic stress and whatever, hmm. but but the sky is the limit. Um, but also, I feel like a, not I feel like the alternate is ke, Um which disconnected from reality. Because the real world, unfortunately, isn't as open and as free and as, um, you know, probably the way that I would frame it is that um, what you're doing at Lums is you're hand handpicking some of the most critical thinkers of this country and you're putting them together and you've provided them a space which is great. Mm. Um, but a lot of times I see people from lums joke who who begin to feel like they're the normal ones. They're not above average and above power. And so they have they have, they lack that understanding of the privilege that they have, mm -hmm. be it you know, biological in terms of a better, smarter mind, mm -hmm. be it social or or economical. Um buttink the Bahara thing that's a mulkitana jahil. Hmm. Achha, hmm. it's easy to get the smartest richest and most powerful people in a room and let them do whatever they want it becomes increasingly difficult when you begin to integrate lower socioeconomic strata into that same room and expect hmm. the same level of uh, discourse and the same level of freedom and so privilege ka understanding you know i have a privilege and so if the discourse has gone down I understand that it was the lack of good education and, and good up, uh, upbringing that, you know, made these people have a poor discourse. Mm. Whereas a lack of the, that privilege will say, look, I'm smart and all are jahil." Mm. You know, because they're not doing that because of their own sort of free will. They're doing that because they didn't have any other better option. Mm. Um, what do you think in terms of this space that's been provided, mm. um, which is why I feel like a lot of people from Lums end up, और रादर आर मच मोर सक्सेसफुल मास्टर्स इन गोइंग अब्राड बिकॉज वहाँ पर उनको बनाया ही एक ऐसे एनवायरमेंट के लिए गया है विच इज़ मच मोर एडवास विच इज़ मच मोर लाइक यूरोप और अमेरिका और बट ये जो है ये यू नो लाइक पीपल एंड ऑफ गोइंग सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस एनवाइट सी एक चीज़ का मुझे डर रहता है एंड mm -hmm. वो यही होता है जो मैं अपने सीनियर्स और जो ग्रेजुएट कर चुके हैं ना उनसे बात करते हैं वो यही होता है कि लम्प से बाहर निकलते ही ना उनकी एकदम से ना एक बबल सा फटता है उनके लिए और उनकी एक रियलाइजेशन हिट करती है एंड दैट्स कि भाई ओके okay, जो लम्स में हो रहा था दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाइक like, हम एक वही बात बबल में एक हैं hmm. और इससे बाहर दुनिया काफ़ी फर्क है तो वेन यू टॉक अबाउट पीपल दैट आर पुट इन अ रूम एंड उनको आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर अ वर्ल्ड दैट इज़ मच मोर एडवांस्ड आई डोंट Know if I could really talk about that itna specifically because I don't know much about it, mm. but main itna sakta ke, to some extent, maybe yes, maybe they are being probably will not use the word advanced, which mm. is much more diverse. Advanced would yeah. insinuate that that world is much better, and mm. so you're not really letting them utilize their full potential. I feel like Lums does that, mm. Lums gives you the full potential, but I think in fact, Lums is more advanced than the society, but it's the world mm. is much more diverse where you know a lot of times you've been taught if if you have all the tools you can do wonders mm -hmm. but the fact is real world can you don't have all the tools that mm -hmm. you would require to function to the best of your ability right um I don't know I, I feel like ye, lums ke within jo people hai na, like as they've started spending their time here now realize that certain what are what's right and what's wrong though it छोटी सी एग्जाम्पल जो मैं पर्सनल लाइफ से भी देना चाहूंगा वो यही हुआ कि नहीं जैसे जिस जिसपे मैंने एक मतलब पाकिस्तान नाव पर एक वीडियो भी बनी, बनी थी दैट अबाउट द फेमिसाइड इशू ना वगैरह वाली बात हुई थी ना right. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड जेंडर रिलेटेड इशूज सारा एंड टू सी के बिफोर कमिंग हेयर आई डेंट इवन कंसिडर दैट ओके ये कुछ है भी यू नो राइट एंड यहाँ पर आकर जस्ट लर्निंग फ्राम अदर्स एक्सपीरियंस स्टडिंग अबाउट इट लोगों से मिलकर इन ऑल ऑफ़ दैट कि ये एक बहुत बड़ा इशू है इन चीज़ों के बारे में ना आई फील है कि एम्पेथी बहुत ज़्यादा आप गेन करते हो कि mm -hmm. ये हो गया और भी बहुत सारे इश्यूज़ हो गए डाइवर्सिटी रिलेटेड इन ऑल ऑफ़ दैट यू लर्न टू बी मोर एम्पेथेटिक एंड आप उनके बारे में बहुत कॉन्शियस होने लग जाते हो कि अच्छा अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ देख कर करता हूँ जस्ट टू सी के क्या कहते हैं किस इन्वायरमेंट में बैठा हूँ एंड इफ़ वो टाइम क्या कहते हैं सेंग किसी को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है इन एन एडवर्स मैनर राइट तो वो चीज़ आपको ये जरूर सिखाता है एंड आई फील लाइक जो बाहर से देखते ना कुछ अगर इसको हल्का से भी इस तरह देख लें जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो फिर आपको ना कहने लग जाते हैं कि या तो तुम बहुत वही बर्गर हो uh -huh. या आप फिर बहुत क्या कहते हैं आई डों नो वट्स द राइट वट द राइट टर्म वुड बी बट इट्स इट फील्स है कि आप बहुत ज़्यादा ना लाइक आई नोट वाइट बॉय टाइप बन रहे हैंट आई वुड से बट वही बात है कि लाइक जो हमारी क्या कहते हैं मैंने सेंस ऑफ एम्पथी सीखी है or and i'm glad that i did yeah. learn that. i but. feel like, uh, yeah, everybody interesting point, touch kya. burger or white boy type ka. Mm. Ke, Um i remember when i went to karachi for my education, i went there for a few months, and then i eventually came back. a lot of things that i, a lot of times i'd hear this thing where if something happened and a lot of things happened to me during that time, uh, you know, seeing the, a weapon for the first time out on the street. Um, Getting thrown off from a from a running bus, for example. Um, what? Yeah, yeah, yeah. Why? <laughs> so I used to I was in fast at the time. So mm -hmm. I used to go to right this sort of two hours outside of Karachi, fast Fasta. Um and so I would take these public buses, you w W which is shiny C and um and so buses can um, you so know, there's this like old men who would literally harass me. I was just हमेशा से मैं छोटा था ना तो मैं बहुत यू you नो know, एक गोरा सा बच्चा मासूम mm -hmm. सा था तो yeah. um, वो आते थे वाके के बेटा लैब पे बैठ जाओ oh. वाके पकड़ लेते थे नीचे से हाथ आ रहा है इस तरह की चीज़ें दिस इज अ डेली अकरेंस आकर नाइटिंग नो व्हाट वाज गोइंग ऑन एट द टाइम तो उसी में खैर उस वो बस में ये वाला एक्सपीरियंस तो था ही था कि आई वुड जस्ट लाइक कीप ऑन स्टैंडिंग एंड बी लाइक भरी भी होती थी जैम एंड यू नो उस तरह से बट वो रुकती नहीं है वो आती है वो रुकती नहीं है और वो बस तरह होता है कि वो स्लो डाउन होती उसमें है उसमें लोग उतरते हैं उसमें लोग चढ़ते हैं और वो आगे निकल जाते हैं सो द कंडक्टर गेट्स ऑफ इमीजिएटली पीपल गेट ऑफ सो द कंडक्टर वाज लाइक तुम्हारा स्टॉप आ गए ना लाइक नॉट माई स्टॉप एंड दिस राइट नाजिमाबाद और सम एरिया लाइक दैट एंड देर लाइक फाइव डिफरेंट रोड्स कनेक्टिंग टू दिस मेन चौक अच्छा उसने जब मुझे दो तीन दफा बोला मैंने उसको बोल दिया कि मेरा नहीं है मैं अगले में उतर जाऊँगा मेरा अगला आ रहे आने वाला है फेड एरिया का मेरा आ रहा है mm. तो Uh, he was basically by that time the bus had started speeding up so much that it was impossible for him to sort of jump and get on. Mm. So he took my hand. I was standing right next to the door. He took my hand, pushed me out, got back up, and I'm just rolling on the floor and I'm looking at the bus and you know he's just laughing and he's the bus is leaving. And I had to use my hands to stop myself or bleed bleed on because I had rolled a little the car would have right. And so, so there was that experience. And then this one time I was uh, at. Um, लेफ्टन में मैं था राइट इन फ्रंट ऑफ सी व्यू एंड आई है आई डिनर विद समन दे ड्रॉप मे ऑफ एंड देक यू नो डू हेवर प्लेस टू सेम गई फ्रेंड्स एंड माई फोन डाइट एंड दे ड्रॉप देफ्ट माई फोन डाइट्स लाइक ट्वेल्व थर्टी एट नाइट आई डिसाइडेड कि मैं एक प्लाजे के साथ रफो हूँ तो मैंने कहा दो प्लाजे छोड़ के आगे मैं जाऊँगा तो वहाँ पर बेकरी नज़र आ रही है वहाँ से अपनी बहनों को कॉल करूँगा वो मुझे अपने फ्रेंड का नंबर बता देगी अंदर आई कैन you know, contact him. And I knew because his was So it was walking distance. So I was walking from one plaza to another and I was going And I didn't know again how Karachi works. And there was a 4 sleeping And suddenly when I'm right next to them, the, the dog is basically right next to my foot. Mm. The dogs realize I'm there and they've been trained because it's Karachi, wouldn't happen in Islamabad, but they've been trained that if someone is so close to my master you essentially attack and kill them right and so mm -hmm. i immediately realized they get up i start running and they're after me it's 12.30 at night nobody knows i'm there in the middle of the town um, i don't have anyone to contact and i'm running 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 for my life and suddenly the only way i was able to save myself was came in the it's like four foot deep i guess the in would have got no knows what they would have done to me it was like deserted at the time mm. A um, couple of other incidents I don't even want to mention, but mm -hmm. when I would go and talk to my friends about these incidents, listen, like this is, and and I can see the the expression that you have on your face, mm -hmm. right? When I would tell this to my friend from Karachi, he'd be like, hey. Toh, toh. Mm -hmm. you know, and why are you such a burger that you have a problem now? This is what what, what I have a problem with. I understand the Karachiite has a coping mechanism, right? And so they'll they've normalized this for themselves. Otherwise, they will go mad because. And nobody, no human being deserves to live in this environment where they have to go through these very tra traumatic incidents. The idea that because I have experienced trauma, you need to experience trauma. If you don't experience trauma and if you are appalled by that trauma, you need to be ostracized mm. and I need to stereotype you and make you feel bad about it mm. Mm. was what I found most interesting. Yeah. Right? Yeah. You put it so well. Yeah. Mm. Ki,

the the West were like, oh you know, that makes you a white boy. Oh, you're such mm -hmm. an idiot for mm -hmm. for for being so developed. okay mm -hmm. You're so idiot that you have running water in your tap. Mm -hmm, mm -hmm. You know? Yes. And so similarly, everybody wants to be rich, but we hate the rich people. Everybody wants like we have these arbitrary ideas of what we what ideal life would look like. Mm -hmm. But suddenly when someone around us is beginning to have that now, वी अटैक फर्स्ट वो एंड सो द वो तो मैं कभी बिल्कुल भी नहीं मानता कि आप किसी को बर्गर बोलो आप इस तरह से करो एंड आई फील लाइक है आई गैर इट इसल इज वेल जिसका एक्सेंट निकलता था ब्रुकलिन न्यू यॉर्क का भाई तू इस्लाम आबाद में बैठा मैंने ना निकाल ब्रुकलिन न्यू का बट अगर आप उसी के साथ मिक्स करके आप कर हैं कि यार अगला बंदा जो है वो एक सर्टन टाइप ऑफ ड्रेसिंग कर रहा है या वो एक सर्टन बात कर रहा है उसको भी आपने बर्गर करके कॉन्स्टेंटली मेक यू फील बैड अबाउट इट बिकॉज दैट्स टू मी अ लॉट एंड एंड आई सच्ची बात है आपने जेंडर रिलेटेड इशूज की बात की um, यार मैं इस्लामा बॉयज़ को जानता हूँ बहुत सारे बड़े अच्छे तमीज़ के बच्चे थे अलॉट ऑफ द टाइम सोसाइटी वॉज पुशिंग दैम टू बी दिज साइकोटिक वियर बिकॉज वेन वर नाइस दे वर Burger and weird, mm -hmm. and yeah, oh, mm -hmm. oh, achha, why are you so respectful? Mm -hmm. bilkul, bilkul. Okay. You know, and a lot of times that came not just from guys around us, that came from guys who got more attention from girls. Mm -hmm. And so the social economy sort of made you feel like, okay, so the girls are appreciating those guys, and I need to be more like them. Mm -hmm. I feel like I feel like recently, even BMI and the girls are now beginning to, when university to university, मैसेज yeah, में जाना शुरू नाउलॉमीर डाउन एंड सो सडनलीट बट अलॉट ऑफ टाइम्स ये हमारा मसला आ रहा था वैदर बी एट बॉलीवुड और हमारे बच्चे ग्रोइंग अप हम कहते हैं ना पेरेंट्स नीड टू डू बैटर पेरेंट्स And they were going to school, and now in their whole popularity context, they were learning a lot of these wrong things that unfortunately were happening. Um, so, anyways, gonna go away from the burger thing. <laughs> yeah. Come back to lums. Okay. Um, your your education right now is a minor in psychology and a major in management sciences. Management sciences. Mm. Um, practically, what's the uska uh, wo uh, in terms of jobs and uh, you know what sort of career You know, is out there for such a, such a a degree. Um, for such a degree, I mean, क्या कहते हैं जो मेरे uh, observation में वगैरह है ना वो basically data science वगैरह में लोग चले जाते हैं कंसल्टेंसी right. um, में लोग चले जाते हैं इसी तरह फर्म्स वगैरह जैसे यही नेस्ले होगी यूनिवर होगी इनके साथ यू you नो know, those अब मैं एग्जैक्टली exactly आपको जॉब डिस्क्रिप्शन ही बता सकूंगा बट आई वुड टेल यू कि लाइक जॉब्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट जो डाटा ओरिएंटेड वगैरह नहीं होती राइट right. जिन सॉफ्टवेयर वगैरह और जिन चीज़ों से हम सीखते हैं जो प्रोग्राम्स इसी वजह से ऊपर वो आ रहा है एंड डू यू थिंक करियर आई रियली से राइट नाउ बट मुझे मुझे ये पता है कि मैं किस करियर पाथ पे जाना चाहता हूँ वो ये मीडिया वाली है डिजिटल मीडिया जिसको मैं हमेशा सारी जिंदगी चलाता आया हूँ ना राइट शौक से उस चीज़ को आई आई वो यूज दिस डिग्री दैट आई हैव टू मे बी यू नो कमर्शलाइज वट आई एम पैशनेट अबाउट राइट एंड बिकॉज इट्स कॉन्टेंट क्रिएशन एंड इट्स डिजिटल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट तो मे बी यूज द नॉलेज दैट आई हैव गेंड फ्राम दिस यूनिवर्सिटी एंड फ्राम दिस कोर्सेज अनएम्प्लायट उधर तो एक छोटी सी एग्जाम्पल वुड भी जैसे लोग स्टार्टअप वैर कर नहीं करते या कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया ऑफ मे बी सेलिंग समथिंग राइट तो वही आप नॉलेज तो sort of yeah. hmm. hmm. um, आपने बस यूज किया और अप्लाई किया है उधर एंड कॉन्टेंट के आपने ज़िक्र किया यू नो अट ऑफ पीपल ऑफ मिलवाते हैं आपको ड्यू थिंक दैट वॉज ईजी फॉर यू टू पुट यूर सेल्फ एंड योर फैमिली आउट दर इन दब्लिक बहुत आसान था कभी नहीं सोचा उसके बारे में कि यार यू बिल्कुल भी नहीं मुझे मुझे बहुत दफ़ा लोगों ने कहा है मेरे काफ़ी करीबी दोस्तों ने भी कहा है कि यार, क्या कर मतलब कर रहे? कर हाँ। सोच लो लाइक like, हाँ। you know, हमेशा ईजी कोई right. मसला नहीं मसला okay nah? yeah, so sort of नहीं था उनसे मैं बस पूछता था कि अगर मैं आपकी इस तरह बना लूँ वीडियो कुछ मसला नहीं होगा कहते नहीं कोई मसला नहीं दे वोट डाउटली से भाई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ ऐसे नहीं वो अब कहते हैं जब ट्रैक्शन मिली थी <laughs> वर्ड क्या कहते हैं उस वक्त नहीं कहते थे ऐसा कुछ बट लाइक like, जब भी मैं बनाता था दिल मतलब उससे या तो वो वाली चीज um, uh, I यू गॉट दैट आई फील लाइक यू बिन ऑन एंड ऑफ यू नो for आप किस इंजॉय के लिए आप कर रहे थे Mm. Right. If mm. I remember this correctly, you, you someone gifted that to you very recently. Mm -hmm. Yes. Um. Yes. Usse pehle, you know, you were just randomly uploading content based on your interests. मिलवाते mm. mm. has change that. Um, it did. What was the feeling when you? Because I remember, you know, you're also one of those COVID creator babies, jo ke, COVID mm. in na, neural mm. types and a mm. lot of the people you who know, बस Instagram pe karna and then mm. you know, us time ke, but suddenly things blew up. What um, what was that feeling when things really started blowing up and you were like what, what's वट वॉजिंग इसकी थोड़ी कॉन्टेक्स्ट अगर मैं इस तरह से ना सो मैं लाइक जैसे इंस्टा पे ना और इन टर्म्स ऑफ डिजिटल क्रिएशन ना मैं बहुत अरसेव बिन ऑब्जर्विंग इट और बहुत अरसे फिर बनाने का भी किया है ना तो 2013 14 से ना बनाता आ रहा हूँ ठीक है बट एंड ऑलवेज विद दिस आइडिया के भाई ग्रोथ एंड मान, मतलब like, मान ही जाता हूँ उस वक्त बेशक ना मानता हूँ फेमस होना था ठीक है वो वाली चीज़ है तो वो दिमाग में हमेशा घुसा हुआ होता था कि भाई तुमने बनाते रहना है और दिल से बनाता था एटन कि बस फेम के लिए मज़ा बहुत आता था, था बट बनाता रहता था स्टार्ट फ्रॉम वाइन वाइन से फेसबुक फेसबुक वो फनी कॉमेडी वगैरह बना लिए वहाँ से हट कर अच्छा दोनों भी क्या कहते हैं आर्मी में वो दोनों उन दोनों के साथ uh, मैं बनाता था और uh, मैं क्या कहते हैं वी टू मेक बहुत रेगुलरली लाइक like, हर वीक दो दो वीडियोस दो तीन वीडियोस तीन आती थी एंड एंड वो टाइप्स ऑफ अनोइंग फ्रेंड्स क्या कहते हैं? You, इस वो, right, right. Well? आपने उसको वहां पर किया तो नहीं वो और थिएटर से राइट right. शुरू से लाइफ में क्या कहते हैं एक्टिंग वगैरह का आ, क्या कहते हैं बहुत ज्यादा शौक था स्कूल प्लेज इन ऑल ऑफ ना तो उधर से वहाँ पर वो चीज आई थी राइट right. तो अब वहाँ से मैं फिर आया YouTube पर YouTube पर आया जब ये पीटर मिकेनन और इनका जब बूम सा हुआ था ना तो मैंने फिर कहा कि ओ लेट्स ट्राई दीज व्लॉग्स जो ये थे ना right. तो फर्स्ट टाइम मेड वन जो डेविड डोबिक स्टाइल का था राइट right. उससे अगला मैंने सिनेमैटिक बना दिया nice. और आई आई रियलाइज कि मुझे सिनेमैटिक चीज़ पसंद है देन आई केम ऑन टू ट्रैवल फिल्म मेकिंग ट्रैवल फिल्म मेकिंग से हट के फिर आई केम ऑन टू यही व्लॉग्स वाली चीज वापस उसी में थोड़ा सिनेमैटिक टच भी बट कॉमेडी भी मिक्स करके ना राइट right. एंड पाँच छः साल छः सात साल से लाइक कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली नहीं बट बनाता जा रहा हूँ एंड यू नो दैट रियलाइजेशन ऑलवेज यू टूट कि भाई कुछ ग्रोथ ही नहीं है लाइक आई एम ऑन इंस्टा फॉर लाइक सिक्स सेवन ईयर्स एंड मेरे हजार है, क्या हज़ार दो बारह सौ फॉलोअर्स हैं क्या सीन है भाई है? समझ नहीं आ रही ना तो देर वॉज ऑलवेज दिस आइडिया जो मैंने ना कहा कि यार तुमने सही में ब्लॉग्स बहुत बनाए हैं सब कुछ बहुत किया ना तुमने कभी ट्रांसपेरेंट नहीं है लोगों के साथ ना यू haven't showed शोड द रियल यू एंड दिस इज़ नॉट लाइक अ क्लीशे बात मैं बिल्कुल कोई क्ली बात नहीं कर रहा लाइक मुझे एक्चुअली ये ख्याल आया कि भाई लोगों को नहीं बताया कि तुम हो कौन सही है दोस्तों के साथ वीडियो बना लिया है क्या कहते हैं कॉमेडी स्केच एक बना लिया लेकिन साइम है कौन ना एंड ये मैंने अपने सीरीज की इंट्रो में भी यही बात बोली थी तो फिर मैंने कहा कि लाइक लेट्स स्टार्ट ऑफ विद डेट राइट तो फिर मैंने कहा कि फैमिली से शुरू करता हूँ मेरे अबू कौन है मेरी मामा कौन है बहन भाई कौन है सही है और उधर से आइडिया आया था एन ए टमी मैं सेमेस्टर के दरमियान ही था जब मुझे आइडिया आया था तो मैंने कहा कि अभी मैं मतलब सिर्फ सोच लेता तो हूँ इस पर करूँगा बाद में उस उसका ऑनलाइन चल रहा था ऑनलाइन चल, चल रहा था सेकेंड ईयर था मेरा लम्ब में तो उसके बाद मैंने क्या कहते हैं छुट्टियाँ आई एंड आई मेड टू वीडियोज़ राइट मामा बाबा के अपिसोड बनाए एडिट किए उनको ख़त्म कर दिए पोस्ट नहीं किए राइट right. दो दो एक महीने में पोस्ट नहीं किए बस पड़े रहे थे मेरे पास मैंने बहुत लोगों को दिखाए थे सब ने बहुत तारीफ़ की थी फिर मैंने जब पोस्ट किया पहले वाले पे अच्छे रिस्पॉन्स आया था बहुत अच्छा था लाइक इट वॉज मोर देन आई कुड एवर है राइट और फिर दूसरा वाला डाला ना तो उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ उसके बाद तो इट गॉट सो मैनी री शेयर मेरी मामा का एपिसोड था और right. उस पर क्या कहते हैं फिर इरफान भाई शेयर एंड उसकी right. वजह से पीपल जस्ट केप कमिंग इन एंड आते रहे और आते रहे और आते रहे और मैं लाइक मुझे जब पता लगा था ना कि ये सब हो रहा है मैं दोस्त मेरे कमरे में बैठे हुए थे मैंने एपिसोड पोस्ट किया हुआ था हमारा एक दिन आया हुआ था ना हमने कहा चलो आया चिल करते यहाँ पे और मैं वहां पर काम पर मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा <laughs> <laughs> है और फिर उसके बाद जब ये सारा हुआ ना दो तीन दिन लाइक यू मैं तो भाई क्या yeah. मैं मैं आपको तो खुशी से और फिर उसके बाद आपका yeah. <laughs> मैसेज yeah. 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 कहां होते हो आप yeah. मैंने कहा यहां होता हूं तो आपने कहा जब भी इस्लामाबाद आओ ना तो लेट्स मीट एंड दिस तो इट वाज फिनोमिनल लाइक मैं इतना हैरान लाइक आई कुड नॉट मैं ई डेंट थिंक इट वुड टेक ऑफ इस तरह से एंड yeah. मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक मैं कोई शोर शॉर्ट अब इन्फ्लुंसर बन गया हूं बट आई वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन और ऐसी रिकग्निशन ऐसा अप्रिसिएशन मुझे कभी नहीं मिली थी काम के लिए एंड फिर वहां पर मुझे और सब लोगों ने ना एक बात कॉमन की थी एक बात बहुत कॉमन की थी वो थी स्टोरी टेलिंग आई डेंट रियलाइज दैट आई आट ऑल मुझे नहीं पता था कि यह स्टोरी टेलिंग मुझे लगा बस मैं कॉमेडी दिखा रहा हूँ बड़ी सारी एंड आई डोंट नो समी वन वॉज टॉकिंग अबाउट के साइम स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग है वो ना एंड आई एम नॉट टूटिंग माई ओन हॉर्न मतलब ये कोई वो वाला सीन नहीं है बट बात यह कि इट केम टू द पॉइंट कि मुझे मतलब आहिस्ता आता खुद भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि मे बी देर इज समथिंग देयर and things just kept happening that keep, kept because reinforcing I feel like a lot of life. times most creators when they're focusing on this they're focusing on cinematics or they're mm. focusing on something exciting and it's mm. it's the it wasn't those elements that really sort of took mm. you off it was the element of kr very ordinary life the car it's very raw it's mm. very raw mm. but it's done in a way where i'm compelled to watch it mm. and i'm compelled to finish it considering that Instagram ke long format content is just something that you just don't watch. Yeah, yeah. yeah. Cool. And yet, you know, it kept me uh, sort of uh, focused and ingrained into that, into that content. Uske um, baad obviously you, you, you started working with Pakistan now and, mm. uh, you know, that happened and then eventually you unfortunately had to leave and go to Lums. Where, where do you, because we're at the one hour mark and I'd like to wrap it up, but in terms of content, what are you looking for, looking at in the future? What can we expect? Because I know that there is a lot of people are sitting and waiting kya because mm there are very few people there are very very few names कर कर this is, this guy is gonna hit big whether mm -hmm. they would or would not is entirely up to them but mm -hmm. they have that certain level of flavor um, you have that and so I'm very excited you to you. see where do you, what are your goals what are you looking for in terms of the next um, you know step in your content mm -hmm. सो इफ़ आई टॉक अबर्ट दैट मेरा अभी फोर नाउ लाइक फॉर द नेक्स्ट वन मंथ वन टू मंथ इज़ फिनिशिंग मिलवाते हैं आपको बिकॉज बहुत अर्सा हो गया उस पर मैंने ब्रेक ही डाली हुई है द लास्ट एपिसोड के एम आउट समर में समर वेकेशन में और मैं right. काफ़ी अर्सा हो गया तो वो ख़त्म करना है एंड उस पर जो बड़ा प्रोजेक्ट उसी सीरीज़ का है ना अभी अगला एपिसोड मेरी बहन पर है hmm. तो उससे अगला इज़ ऑन माई कैट एंड उससे अगला इज ऑन माई सेल्फ माइक मेरा अपना एपिसोड है एंड मेरा अपना एपिसोड जो है ना क्योंकि आइडिया यही था ना इंट्रोड्यूसिंग पीपल टू मी हु इज़ साइम यू नो तो वो वाली जो एपिसोड है दैट रियली हैज़ टू टेल पीपल जीरो से लेके हंड्रेड तक मतलब बता दे कि ये ये बंदा है एंड दिस इज़ वट ही इज़ डूइंग दिस इज वट ही डज एंड दिस इज़ हु इज राइट तो वो वाली चीज़ ख़त्म करके ना आई जस्ट प्लान ऑन कैपिटलाइजिंग ऑन द फैक्ट के मे बी आई कैन टेल स्टोरीज एंड उस चीज़ को लेकर tell stories about anything and joey pakistan now will experience tha, hmm. us mujhe ki like there are a lot of weird questions in the world and people may not know if they want the answers to them but yeah. i feel like i could provide them those answers and sati sat unkuvo knowledge gaino you know right so like kake tinge pindi episode tha, for up close Usme, like मे बी ऑन सम लेवल पीपल को पता है कि क्यों ये क्या सीन है और क्या कहते हैं सारी चीज ना बट जिस तरह उसको एक्सप्लेन किया के चीज़ें हो रही हैं जो कि आपके हिसाब से हो रही होंगी लेकिन आपने कभी उनको कंसिडर भी नहीं किया एंड आई थिंक वट अपक्लोज डेड वॉज इट रियली सॉर्ट ऑफ मेड पीपल इट डाउन एंड थिंक के यार हाँ दिस इज अबाउट द मंडेन जो आपकी अपिसोड होंगे वो तो होंगे बट देन दे प्रॉबली वो स्टार्ट टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल के mm -hmm. यार अच्छा अगर ये चीज इस तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है तो दे आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल कैन वी सी सम मोर ऑफ दैट कॉन्टेंट इन द फ्यूचर यस And I really, really wish that I can make Because there's a lot of exciting stuff that's happening in my life. Right. And uh, I just want to share that. And with that, I'm going to answer all of these questions that I do get. Or if people tell for sure. 100%. So, We're at the one hour mark. Uh, I'm going to ask you the question that I ask everyone. Um, you're 23? No. <laughs> I am 22. To almost. almost. So you're twenty-two years old right now, thirty years from now you'll be you you'll be fifty-two at mm. the sort of peak of your um, life mm. and your power. <laughs> um, Pakistan would be close to 103 years old. Um, how do you see Pakistan knowing what you know now, seeing what you see around you? Um, how do you see the Pakistan of thirty years from now? Well, if I'm alive, though I feel like I see I, I, I see myself very hopeful for that Pakistan. I am not saying I'll be hopeless, hai. ऐसा right. कोई नहीं है बट आई 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 सी आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ एन आई सी क्या क्या कहते हैं जो यहाँ पर लोग हैं ना और जो एक चीज़ जिस में भी बहुत मानता हूँ ना वो जो मैंने पहले भी जिक्र किया वो एम्पेथी है वेरी एम्पेथिक पीपल ग्रो या आई सी अ वेरी एम्पेथेटिक नेशन एंड दैट इज़ वॉट आई एक्चुअली रियली वांट कि एम्पेथी जो है ना वो मेरी मेन चीज़ है कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स सिचुएशन किसी को दूसरे के जूतों में अपने आप को मतलब ना उनकी Put yourself in their shoes. Right. I think that's very important to really understand major, major issues. Do you think that's growing or do you think that's diminishing? I that it is growing. Sure. But um, we'll see. We'll see. Mm. Sam, thank you so much for coming in and for all the insights you shared about Lums. I know that um, you know, a lot of people have a lot of opinions about it, but it's mm. always very good to understand, like you said, empathy and mm. uh, putting yourself in other people's shoes. okay mm. um, you know where, where you're coming from and 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 what you're going through. Um, I wish you all the very best. I've already told you off camera, <laughs> on camera as well. I'm very excited to see what you make because you're going to be a, a big thing in the future. Thank I, you. I need you to know thank that. Thank you as so well. much. Thank you so much. Um, but yeah, thank you so much for coming in.

Pakistan Now channel where we talk to different policymakers, government officials, and uh, you know powerful people who are making decisions for Pakistan and trying to understand what their thought is behind taking those decisions for Pakistan. So you can check that out. The link is down below. But anyways, this was Sayyid Mazamila Zedi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.